तलबाला इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मुल्क से जहालत के अंधेरों को फासिलती निज़ाम तालीम के ज़रिए ख़त्म करने के लिए कोशा है हालात कैसे भी हों यूनिवर्सिटी अपने सेशन का आगाज़ वक्त पर ही करती है यानी सेमेस्टर बहार और ख़जा अगस्त का महीना इसलिए भी हमारे लिए अहम है कि इसमें हमने वतन अजीज़ को आज़ाद देखा और इसी महीने में यूनिवर्सिटी के समेस्टर ख़जा के दाखिले शुरू हो जाते हैं आपने यकीन यकम अगस्त के मुल्की अखबार में यूनिवर्सिटी के दाखिलों का इश्तहार पढ़ा होगा आज का हमारा ये प्रोग्राम भी खजान दो हज़ार आठ के दाखिलों के हवाले से है अज़ीज़ तलबा इससे पहले कि हम आपको खजान दो हज़ार आठ में पेश होने वाले प्रोग्रामों के बारे में बताएं आए देखते हैं कि इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अलहसन बट क्या कहते हैं अज़ीज़ बस्मिल आज मैं आपसे ऑटम 2008 के दाखले के बारे में कुछ बातें करनी चाहता हूं। इस दाखले का इश्तहार पहली अगस्त को आ चुका है और दाखले की तमाम कार्रवाई उम्मीद है कि हम 5 सितंबर 2008 तक मुकम्मल कर लेंगे इस सिलसिले में एक बातें मैं समझता हूँ ज़रूरी हैं जो आप तक पहुँचाई जाएं। पहली बात तो ये के दाखले के ख़त्म होने की तारीख का इंतज़ार मत कीजिए जितनी जल्दी हो सके अपने दाखले के तमाम इकदाम जो हैं उनको मुकम्मल कर लीजिए क्योंकि जैसे ही आप ये अपने दाखले के इकदाम मुकम्मल करेंगे हम आपको आपकी किताबें और बाकी दरसी मवाद जो है वो भिजवा सकेंगे ताकि आपको पढ़ने का असाइनमेंट्स करने का और इम्तहानों की तैयारी का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल सके तो कोशिश कीजिए कि तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ जो भी चीज़ें चाहिए इन फॉर्म्स को दाखिले के फॉर्म्स को हमें भिजवाइए और जल्दी से जल्दी इस काम को मुकम्मल कर लीजिए दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मुल्क के तमाम बड़े बड़े अखबारों में जो इश्तहार दिए उनमें आपको मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ और मुख्तलिफ प्रोग्रामों के बारे में तफसील मिल चुकी है कोशिश कीजिए कि जो भी कोर्स या जो भी प्रोग्राम आपने लेना है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक अपने दाखिला फॉर्म को दाखिला ऑफ़िस तक भिजवाइए इस दफ़े एक बात और जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमने हबीब बैंक के साथ भी तावन का एग्रीमेंट किया है अब आप अपने दाखला की फीस जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट वेमन बैंक की ब्रांचों के साथ एलईड बैंक है और साथ ही साथ हबीब बैंक और अलफिला बैंक इन तमाम बैंकों की जो भी आपके करीब तरीन ब्रांच है उसमें आप अपने दाखला की फ़ीस जो है उसको जमा करवा सकते हैं अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपकी दहलीस पर मडल और मेट्रिक से लेकर एम फिल और पी एच डी की सतह तक तालीम फराहम कर रही है सेमेस्टर खजा दो हज़ार आठ में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों में सबसे पहले पी एच डी नाजरीन वतन अजीज़ में कई ज़बानें बोली जाती हैं जिनकी मुख्तलिफ़ बोलियाँ और लहजे होते हैं माजी में उन्हें इलाकई और सूबाई ज़बानें कहा जाता रहा है अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने पहली मरतबा इनके लिए पाकिस्तानी ज़बानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और इनके फ़रो और तदरीस के लिए उन्नीस सौ नन्ानवे में शोबा पाकिस्तानी ज़बानी का क्याम लासानी हम आहंगी कौमी यजचहती और मुल्की सालमियत को पाकिस्तानी ज़बानों के ज़रिए मज़बूत बनाने के तहत अमल में आया ज़ुबान अदब के तलबा और तलबात और स्कॉलर्स के लिए ये खुशखबरी है कि इस सेमेस्टर में पहली दफ़ा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी ज़बानों के हवाले से पी एच डी के दो प्रोग्रामों में दाखिले शुरू कर रही है एम फिल लीडिंग टू पी एच डी एंड एम फिल बेस्ड पी एच डी विथ स्पेशाइजेशन इन पश्तो बलोची ब्राहवी सिंधी सराकी पंजाबी एम फिल लीडिंग टू पी एच डी के लिए तालब इन का किसी भी पाकिस्तानी ज़ुबान में एम ए सकेंड डिविजन और एन टी एस से जी ए टी और जी आर ई में फिफ़्टी परसेंट मार्क्स के साथ पास होना ज़रूरी है जबकि एम फिल बेस्ड पी एच डी के लिए किसी भी पाकिस्तानी ज़ुबान में एम फिल की डिग्री मा थ्री सी जी पी एक्सटी परसेंट मार्क्स का होना ज़रूरी है अजीज़ तलबा इसके अलावा यूनिवर्सिटी उर्दू और इस्लामियात में एम फिल बेस्ड पी एच डी और एम फिल लीडिंग टू पी एच डी पेश कर रही है इस सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी एम एस एम फिल लीडिंग टू पी एच डी चार डिसप्लिन में पेश कर रही है जिसमें अबलाग आमा इस्लामिया ओजाइत और, और कैमस्ट्री शामिल हैं अजीज़ तलबा एम एस सी के चार प्रोग्रामों में दाखिले जारी हैं जिनमें कम्यूनिटी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन मताल पाकिस्तान और वूमेन स्टडीज़ शामिल हैं यूनिवर्सिटी कॉमनवेल्थ के अश्तराक से कॉमनवेल्थ एम बी ए और एम पी एग्जीकटिव में भी दाखिले ऑफर कर रही है अजीज़ शलबा सेमेस्टर ख़जा दो हज़ार आठ में एम ए की सतह पर उर्दू अरबी और इस्लामिया में दाखिले जारी हैं जहाँ यूनिवर्सिटी मुख्तफ डिग्री लेवल के प्रोग्राम्स पेश करती है वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के प्रोग्राम भी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है इस समेस्टर में डिप्लोमा इन डाइटीज़ एंड डाइट और न्यूट्रिशन फॉर फजिशन में भी दाखिले जारी हैं ये प्रोग्राम सिर्फ राबड़पिंडी इस्लामाबाद लाहौर मुल्तान फैसलाबाद कराची और पेशावर में पेश किए जाते हैं इसके अलावा जेंडर एंड वीमेन स्टडीज़ में भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के दाखिले जारी हैं हमारे वो नाजरीन जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है उनको बताते चलें कि आज के इस प्रोग्राम में हम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर ख़जा 2008 के दाखिलों के बारे में मालूम पेश कर रहे हैं अजीज़ तलबा अब चलते हैं बैचलर प्रोग्रामों की तरफ सेमेस्टर ख़जा 2008 में यूनिवर्सिटी बैचलर लेवल के पाँच प्रोग्राम ऑफर कर रही है जिनमें में बी एस कम्प्यूटर साइंस बैचलर ऑफ कॉमर्स बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन लाइब्रेरी साइंस और बैचलर ऑफ आर्ट्स बी शामिल हैं इसके अलावा रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तलबा के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स में डिप्लोमा भी इस सेमेस्टर के प्रोग्रामों में शामिल है अजीज़ तलबालाबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मुल्क में की इस तलीमी इस्ताद में इजाफ़े के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए हैं जिनमें एक सी यानी सर्टिफिकेट इन टीचिंग भी है इस समेस्टर में यूनिवर्सिटी सी में दाखिले ऑफ़र कर रही है जिसमें तमाम बी एस पास और एफ ए ज़रूरी है अज़ीज़ तलबाज सेमेस्टर खजान दो के इंटरमीडिएट सतह के प्रोग्रामों में एफ ए आई कॉम एफ एस सी प्री इंजीनियरिंग एफ एस सी पी मेडिकल एफ एस सी फैमिली एंड कम्यूनिटी हेल्थ और एफ एस सी होम इकनॉमिक्स शामिल हैं इस सेमेस्टर में तमाम मिडिल पास तलबावलब और मेट्रिक में फेल उम्मीदवारों के लिए यूनिवर्सिटी मेट्रिक प्रोग्राम में भी दाखिले ऑफर कर रही है नाज़रीन दीनी मदारस में जेर तलीन तलबा और तलबात के लिए अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी दरस नज़ामी के मैट्रिक सानविया आमा इंटरमीडिएट में सानविया खासा और बी ए के शहादत आलिया में दाखिले ऑफर कर रही है जिसमें तलबा अपने मदरसे में रहते हुए दाखिला ले सकते हैं छः माह दौरानिए के सर्टिफिकेट कोर्सिस में यूनिवर्सिटी का मकबूल प्रोग्रामबी और अरबी बोल चाल के अलावा सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरशप घर में तैयार शुदा मसनुआत की फ़रोख्त फ्रेंच ऑनलाइन मखसूस शहरों के लिए और कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी दाखिले जारी हैं जो सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तलबा के लिए हैं नाजरीन जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा मुल्क एक ज़रूरी मुल्क है यूनिवर्सिटी ज़रात के हवाले से कई प्रोग्राम पेश करती है छः माह दरानी पर मुश्तमिल ज़रूरी कोर्सेज़ की तफसल कुछ इस तरह से है पौधों की देखभाल फार्म मशीनरी तेलदार फ़सलों की काश के बेहतर तरीके फलों की पैदावार के जदीद तरीके नफ़ा बख्श जरी महारतें मुरखबानी मेट्रिक लेवल डेरी हस्बेंड्री जदीद ज़रात घर और ज़रूरी अमूर का इंतज़ाम मेट्रिक लेवल इसके अलावा छः माह दौरानी पर मुश्तम टेक्निकल कोर्सेस की तफसील कुछ इस तरह से है इलेक्ट्रिशन, घरेलू बरकी आलातार की मरम्मत और देखभाल रेडियो सर्विसिंग ऑटो मकैनिक्स बर्की आला की देखभाल मेट्रिक मेट्रिकल नाजीन ग्रामीण इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मुल्क में बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए हुनरमंद अफरा के लिए ओपन टेक नॉन क्रेडिट कोर्सेज भी पेश कर रही है जिसमें इलेक्ट्रिशन प्लम्बर स्टील फिक्सर सिविल ड्राफ्टमैन क्वालिटी सर्वेयर सिविल सर्वेयर वेल्डिंग एलैक्ट्रिक रेफ्रिज्रेशन एंड एयर कंडीशनिंग शामिल है जो सिर्फ़ रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तलबा के लिए हैं जो अपने शोबे में महारत रखते हैं लेकिन इसका सर्टिफिकेट नहीं रखते शॉर्ट टर्म एजुकेशनल प्रोग्राम्स में होटल सर्विसेज के पाँच कोर्सेज़ मैनेजमेंट सर्विसेज के बाईस कोर्सेज कम्युनिटी एजुकेशन के सत्रह कोर्सेज और सोशल साइंसेस के पंद्रह कोर्सेज जिन एक कोर्स पंजाबी सिंधी बलोची और पशतो बोलचाल भी है इसके अलावा ज़रात के छः कोर्सेज़ भी शामिल हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ में सारा साल दाखिले जारी रहते हैं हर कोर्स का दौरान यह तीन माह है शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में मजीद मालूम के लिए आप फ़ोन नंबर सिफर पाँच एक नौ सिफ़र पाँच सात आठ चार पाँच पर भी रा कर सकते हैं नाजीन आपको बताते चलें कि यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए आपको मुतलिका प्रॉस्पेक्ट्स खरीदना पड़ता है जिसमें दाखिला फॉर्म भी शामिल होता है आपसे दरख्वास्त है कि प्रोस्पेक्ट्स को अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि आपको मज़ीद मालूम मिल सकें प्रोस्पेक्टस आपको मेन कैंपस के अलावा रीजनल दफातर से भी मिल सकते हैं याद रहे कि मुख्तलिफ कोर्सेस के लिए मुख्तलिफ प्रोस्पेक्टस होते हैं तमाम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फ्रेंच ऑनलाइन एफ एस सी बी एस सी एस कम्प्यूटर ग्राफिक्स विजन साइंस में डिप्लोमे के प्रोस्पेक्ट की कीमत दो सौ पचास रुपये सी टी सौ रुपये शॉर्ट टर्म कोर्सेस पचास रुपये और एफ ए बी ए मेट्रिक सर्टिफिकेट कोर्सेस और दरस निजामी के की कीमत तीस रुपये है नाजरीन अगर आप बज़रिया डाक प्रॉस्पेक्ट्स मंगवाना चाहते हैं तो मुतला प्रोग्राम के प्रोस्पेक्ट की कीमत के साथ चालीस रुपये डाक खर्च बज़रिया बैंक ड्राफ्ट बनाम ट्रेजर अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बनाकर 20 अगस्त 2008 तक ऑफिस असटेंस स्टूडेंट्स एडवाइजरी सर्विसेज गेटवे ब्लॉक ब्लाक अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एच एट इस्लामाबाद पर भिजवा सकते हैं अजीज तलबा ये तो थी सेमेस्टर खजा 2008 में पेश होने वाले कोर्सेज़ की तफसील आपको ये भी बता दें कि समुंदर पार मशरक़ वस्ती में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एच एस एस सी यानी इंटरमीडिएट और बी ए की सतह पर भी दाखिले जारी हैं मशक़ब वस्तः के, के नाजरन को ये भी बता दें कि आप पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक मिशन स्कूल्स और कॉलेज से प्रोस्पेक्टस मुफ्त हासिल कर सकते हैं दाखिला फ़ॉर्म आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट ए आई ओ यू डॉट ई डी यू डॉट पी के से भी डाउनलोड कर सकते हैं मजीद मालूम के लिए आप डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर्स ओवरसीज़ा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी गेट वे ब्ला सेक्टर एच एट इस्लामाबाद बजरिया ख़त या फ़ोन नंबर्स डबल ज़ीरो नाइन टू फाइव वन नाइन टू फाइव जीरो वन सेवन फाइव डबल ज़ीरो नाइन टू फाइव वन नाइन ज़ीरो फाइव सेवन एट वन टू या बजरिया ई मेल ओवरसीज एट ए आई ओ यू डॉट ई डी यू डॉट पी के पर रता कर सकते हैं पहले से दाखिल तलबा और तलबात को बताते चलें कि यूनिवर्सिटी आपको कम्प्यूटराइज दाखिला फॉर्म भिजवा रही है अगर किसी तलेबिल को बीस अगस्त दो हज़ार आठ तक फॉर्म ना मिला हो तो वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.aiou.edu.pk से दाखला फॉर्म डाउनलोड कर सकता है या एफ बीए का नया दाखला फॉर्म लेकर फीस के साथ 5 सितंबर 2008 तक शोब दाखला को अरसाल करें जिन तालब ने सेमेस्टर बहार 2008 में दाखला लिया था उन तालब को किताबें भिजवाने का काम जुलाई 2008 तक मुकम्मल हो चुका है Sorry. अगर किसी तलब को किताबें मौसू नहीं हुई या गलत मिल गई हों तो मेलिंग ऑफिसर अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एच एट इस्लामाबाद से राबा कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ने आपके घर के नज़दीक ट्यूटोरियल सेंटर कायम किए हैं और इन सेंटर्स में शिरकत के लिए आपको ट्यूटर का खत मिल चुका होगा अगर आपको खत नहीं मिला तो आप अपने नज़दीकी इलाकई दफ्तर से रब्ता करें हमारे यहाँ ट्यूटोरियल सिस्टम बहुत से प्रोग्रामों के लिए इलेक्टिव या ऑप्शनल है मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस सिस्टम को पूरी तरह इसका फ़ायदा उठाइए और इसका फ़ायदा उसी वक्त उठा सकते हैं जब आप अपने ट्यूटर्स के साथ रब्ता करें और उनसे दरसी मवाद के बारे में मदद लें असाइनमेंट की नोयीत के बारे में मदद लें और जब आपकी असाइनमेंट वो असेस करके आपको दें तो उसके बारे में उनसे सवाल कर सकें ट्यूटोरियल सपोर्ट दरसी कुतब के बारे में ही नहीं बल्कि असाइनमेंट्स के बारे में भी ज़रूरी है कोशिश ये कीजिए कि जितना भी आप इनसे फ़ायदा उठा सकें वो उठाएं। आपकी किताबों के साथ इम्तिहानी मशकें भी रवाना की गई हैं इनको हल करने के बाद आपने ये इम्तहानी मशकें ट्यूटर को उसके एड्रेस पर अरसार करना होती हैं आप ये असाइनमेंट मुकर्र वक्त पर मुकम्मल कर लें वरना आप इम्तहान में बैठने के अहल नहीं होंगे असाइनमेंट्स के सिलसिले में मैं आपसे ये कहूँगा कि यूनिवर्सिटी ने अपनी प्लेजरज़म की पॉलिसी दोबारा रीअफ़र्म की है असाइनमेंट्स आप ख़ुद लिखिए, असाइनमेंट्स आप ख़ुद बनाएं और उनको प्रॉपर तरीक़े से ट्यूटर्स तक पहुँचाएँ हमने अब ये फ़ैसला किया है कि असाइनमेंट्स की ट्यूटोरियल असमेंट की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाए ताकि जो भी आपने ट्यूटर्स को भेजा वो आपकी तरफ से हो किसी और की तरफ से ना हो और ये स्पॉट चेक जो है ये मॉनिटरिंग जो है ये हर प्रोग्राम में जारी रहेगी तो कोशिश कीजिए कि जो दरसी कुतब आप तक पहुंची हैं उनका अच्छी तरह बताल करें और जो असाइनमेंट्स आपको दी गई हैं उनको अपने अंदाज़ में अपने तौर पर मुकम्मल करके ट्यूटर्स तक पहुँचाएँ ट्यूटर हजरात इस बात के पाबंद हैं कि वो ये इम्तहानी मशकें चेक करने के बाद पंद्रह दिन के अंदर अंदर आपको वापस अरसाल करें अगर आपको चेक शुदा इम्तहानी मश्क बमा नंबरशुदा परत वापस नहीं मिली तो फौरन रीजनल दफ्तर से रबता कायम कर लें ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो अजीज़ तलबा तलबात आज के प्रोग्राम में आपने अमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर खजान 2008 के दाखिलों के, के बारे में तफसीला सुना प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आपको एक दफ़ा फिर बताती चलूँ कि सेमेस्टर खजान 2008 के दाखिले यकम अगस्त 2008 से शुरू हैं और आखिरी तारीख 5 सितंबर 2008 है नाज्रीन अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए इंचार्ज प्रोग्राम ए आई ओ यू मैगजीन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेक्टर एच एट इस्लामाबाद इसके साथ ही अपनी मेज़पान सीमा अब्बासी को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़